दोनों आ रहे हैं मेरे। हाँ, तो सुख में भूल मत जाओ और दुख में भगवान को, हम दुख में भगवान को याद करते हैं लेकिन सुख में नहीं। तो आज आज अयोध्या में, आज अयोध्या में एक ऐसा समय आया, इतनी खुशी का समय था, लेकिन समय होत बलवान सखी, समय होत बलवान, जो राजा बनने वाले थे सवेरा, आज उनको सवेरे में 14 वर्ष का वनवास प्राप्त। ये हमको सिखा रहे राम जी के चेहरे पर जरा सा भी दुख नाम का चीज नहीं है। जैसे राजा बनने के लिए ठीक है, वनवास को जाना है ठीक है, ना खुशी ना गम, हमेशा न्यूट्रल। आज राम जी लक्ष्मण भैया के साथ में, माता सीता के साथ में वन की ओर प्रस्थान करें। जैसे अवधवासियों को पता चला कि हमारे राघवेंद्र सरकार वन को जा रहे हैं, समस्त प्रजा मिलकर बोले हम भी जाएंगे प्रभु के साथ में, सब चलने लगे प्रभु के साथ में। जाकर पहुंचे तमसा नदी के किनारे, आज रात्रि में वहीं पर विराजे, बोले राघवेंद्र सरकार आपके बगैर हम आप अयोध्या लौट कर नहीं जाएंगे, 14 वर्ष तक हम भी आपके साथ में वन में रहेंगे। आज अवधवासी तमसा नदी के किनारे में रात्रि में सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए रात्रि में। राम जी रात को 2 बजे उठे, रात को 2 बजे उठते हैं और सुमंत जी को उठाए, बोले सुमंत जी चलो प्रजा को सोए हुए हैं, अब रातों रात हमको यहां से निकलना पड़ेगा, अगर हम नहीं जाएंगे ना तो सवेरे को मुझे जाने नहीं देंगे। सुमंती जी बोले प्रभु आप छुप कर जाओगे भक्तों को धोखा देकर, बोला मुझे अपना कर्तव्य निभाना, मैं कर्तव्य के हाथ बंधा हुआ हूं, मुझे जाना पड़ेगा। सुमंती जी के साथ में राम लक्ष्मण सीता तमसा नदी के किनारे से निकल पड़े। जैसे ही सवेरा हुआ अवधवासी सब उठे, राम प्रभु राम हमें छोड़कर चले गए, खूब रोए खूब रोए। कहते हैं तमसा नदी के किनारे में जो बालूका थी ना, बालूका नमकीन नमकीन हो गया था वो घाट का पानी से, इतना रोए थे। सब लौट कर आए और एक आस क्या कि राजा दशरथ जी ने कहा है सुमति जी को कि 8-10 दिन जंगल में घुमाकर वापस ले आना। हाँ, एक आस लेकर अवधवासी बैठे। आज जैसे ही राम लक्ष्मण सब गए, भरत राम लक्ष्मण सीता सब जा रहे हैं, गंगा का किनारे में पहुंचे, वहां पर बगल में एक नगर है, छोटा सा नगर है, उस नगर का नाम है श्रृंगवेरपुर, जहां पर निषाद राज वहां के राजा है। आज निषाद राज से को खबर मिली कि प्रभु राम आए हैं वन को, निषाद राज भागे भागे आए भेंट लेकर राम जी के चरणों में प्रणाम करे। राम जी ने कहा नहीं निषाद, आपका मेरे लिए स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में। निषाद राज कौन है पता, वशिष्ठ जी के गुरुकुल में जब राम जी पढ़ने गए थे ना, तो वहां पर निषाद राज जी के साथ में राम जी का मित्रता हुई थी, दोस्त है मित्र है। तो आज निषाद राज ने आमंत्रण करे, बोले प्रभु आप आए हमारे नगर में तो कृपया आइए हमारे नगर के अंदर। राम जी ने कहा निषाद मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना ये पिता की आज्ञा है, तो मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा 14 वर्ष, और अन्न भी नहीं ग्रहण करूंगा, केवल कंदमूल और फल ही ग्रहण करूंगा। तो आज श्रृंगवेरपुर के तट पर ही आज रात्रि विश्राम। किसी ने पूछा कि महाराज ये नगर का नाम श्रृंगवेरपुर क्यों है,
सिंह मतलब सिंह होती है, तो सिंह जो होती है ना पशुओं की, तो पशुओं की सिंह की बड़ी सी दीवार बनाए थे नगर के चारों तरफ, तो नगर का नाम रख दिया गया श्रृंगवेलपुर। तो आज हमारे राम जी, लखन भैया, माता सीता सब कोई नगर के बाहर एक वट वृक्ष के किनारे में वहीं पर रात्रि विश्राम हुए, पत्तों का बिछुना लगे है। हमारी जानकी माँ जब चले ना तो फूल पीछे जाए, फूल की पंखुड़ी भी चरणों में आघात कर दे, इतनी कोमल है हमारी माँ। लेकिन आज आज पतिव्रता धर्म निभा रही है, जंगल में नंगे पांव चल रही है हमारी माँ, पत्तों के बिछुना में हमारे राघवेंद्र सरकार और हमारी माँ तो विश्राम करे रात्रि में। लक्ष्मण भैया ने प्रण लिया था, जब अपनी माँ को प्रणाम करने लक्ष्मण जी गए थे माता सुमित्रा को, तो माता सुमित्रा ने कहा था, पुत्र तुम जा रहे हो प्रभु की सेवा में, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, सपना में भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष तुम्हारे अंदर प्रवेश ना कर पाए, सपना में भी ये चीज प्रवेश आने मत देना, वरना तुम सेवा नहीं कर पाओ। लक्ष्मण जी ने वहीं पर प्रतिज्ञा करे, माता आपने कहा सपना में भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ना आए, सपना तो तब आएगी ना जब मैं सोऊंगा, तो आज मैं प्रण लेता हूं कि 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं। तो आज वीर आसन पर हमारे लखन भैया बैठे हैं, माता जानकी और हमारे राघवेंद्र सरकार विश्राम कर रहे हैं। आज वहीं पर निषाद राज हमारे लखन भैया से पूछ रहे हैं, भैया ये क्या घटना हो गई, राज अभिषेक का ऐलान हुआ फिर रातों रात क्या घट गई, और माता कैकेयी तो राम प्रभु से तो बहुत प्रेम करते थे, ये घटना क्या। आज लखन भैया बता रहे एक विधि का विधान, ललाट लिखिता रेखा, हाँ इसको पहले